तो पिछली बार किंग पिक ने मुझे इस जेल में बंद कर दिया था और ये पूरा बेडरॉक का जेल था। वैसे निकलना इम्पॉसिबल था लेकिन निंजा टेक्निक लगाकर मैं जेल से तो निकल गया था। लेकिन मुझे यहाँ पर एक कमरा मिला, जो कमरा मुझे मालूम चला कि ये था ट्रांसलूसेंट का और वो भी इसी जेल में बंद था। तो जेल से निकल जाता हूँ मैं और मुझे फ्लिक मिलता है। फ्लिक से मैं बात करता हूँ, उसको बताता हूँ मैं कि ट्रांसलूसेंट हमारे खिलाफ नहीं है, तो हम वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन तभी मुझे दिख जाता है एक सोल्जर पिक जिसका नाम था सोल्जर बॉय और वो हमारे पीछे पड़ चुका था। तो उससे जान बचा के कैसे तो भी निकलते हैं हम लोग और पहुँच जाते हैं अपने घर में। लेकिन हम देखते हैं हमारा घर पूरा बर्बाद हो चुका है। तो एक ही बंदा है जो सारी बातें हमें बता सकता है, उसका नाम है ट्रांसलूसेंट, तो उसी को ढूंढने जाते हैं हम दोनों। फ्लिक भाई उस जगह में तो पहुंच गए हम लोग, तुम्हारे पास ब्लॉक है यहाँ पर लगा दो। मेरे पास कुछ ब्लॉक तो है, इधर आ जाओ भाई। चलो भाई ऊपर चलो पहले, ये वो जगह है ना, रुक जा रहा हूँ मैं भी। अरे भाई ये क्या हो गया, एक मिनट मुझे आने दो। अरे यहाँ पे क्रीपर है। ओ भाई ये क्या, एक मिनट इसको मारना पड़ेगा, रुक जाओ निपटाते भाई, ये तो मर गया। और इस जगह क्या हो गया? ओ फ्लिक भाई ये जगह याद है तुमको? ये तो शायद अंदर से अभी टूटा हुआ है वो। अरे भाई इतना अंधेरा है यहाँ पर, जाऊँ मैं? लेकिन यार ट्रांसलूसेंट कहाँ गया, इधर तो नहीं है शायद वो। भाई ट्रांसलूसेंट को ढूंढना ही पड़ेगा हमें। अरे लेकिन यहाँ पर होगा नहीं, एक मिनट ना, लास्ट टाइम मैं अंदर जाके देखता हूँ। मेरे साथ आओ भाई, कोई भी होगा तो साथ में मारेंगे उसको। एक सेकंड ये क्या है? अच्छा ये जगह कोई वॉइड नहीं थी, किसी ने बनाया था जगह ब्लॉक से। तो भाई एक बात बताओ, ट्रांसलूसेंट को कहाँ पर ढूंढेंगे हम लोग? तो मुझे भी नहीं समझ रहा है कि वो कहाँ मिलेगा। एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग अपने घर चलते हैं और उधर में कुछ सोचते हैं पहले कि हम लोग कहाँ ढूंढेंगे उसको। तो जैसा कि तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारे साथ में उस बेडरॉक वाले प्रिजन में था वो, तो उसने हाँ। भी एस्केप किया था ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब वो यही वाली दुनिया में कहीं तो घूम रहा होगा, उसको हमको कहीं और ढूंढना पड़ेगा। ठीक है भाई चलो, ये जगह समझ में भी नहीं आ रही है मुझे क्योंकि बस हम दोनों दिख रहे हैं और एक दो स्टोन के ब्लॉक। चलो निकलो यहाँ से। अरे फ्लिक भाई चलो, अपना घर भी तो हमें ठीक से बनाना है अभी। अरे अरे डैश भाई वहाँ पे कोई खड़ा है, अरे सोल्जर है। अरे भाई चलो एक मिनट छुपना पड़ेगा पहले, भाई वो इधर देख तो नहीं रहा है, पहले छुपो कहीं पर। एक काम करते, सामने विलेजर का घर है ना, वहाँ पर चलते हैं पहले। एक सेकंड भाई वही है वो बंदा, भाई वो देख तो नहीं लेंगे यहाँ से हमें? नहीं यार देख लेगा तो हमारा भाई इस बार तो ये मर्डर डाल ही देगा। और ये कर क्या रहा है घर के ऊपर? ये हमको ही मारना है मुझे इतना तो पता है। और भाई इसके हाथ में शॉर्ट दिख रही है मुझे खतरनाक वाली, और उसके हाथ में एंडर पर्ल भी है, अगर उसने देखा तो हमारे ऊपर टेलीपोर्ट हो जाएगा वो। भाई मुझे वो अंधा दिख रहा है क्योंकि देख नहीं पा रहा है हमको इतने पास से भी। लेकिन वो उधर घूम क्यों रहा है यार? फ्लिक भाई अपने पास दो ही ऑप्शन है, या तो इसको मारते हैं या तो ऐसे निकलते, नहीं तो ये तो मार देगा हमें। भाई कहीं तो जा रहा है वो, लगता है निकल रहा है ऐसे वो। हाँ मुझे भी लगता है चला गया शायद वो। चलो भाई यहाँ से निकलते हैं अपन लोग। अरे भाई ये क्या कर रहा है यहाँ पर? ओ इसने हिट, निकलो भाई। ये कहाँ गया? भाई इसको मारना पड़ेगा, रुक जाओ। नहीं भागना ही पड़ेगा, शायद मार नहीं सकते। भाई कितना हेल्थ ले गया वो, भाई तुम्हारे पीछे पड़ गया ये। अरे फ्लिक भाई घर के तरफ हूँ मैं, TNT तुम्हारे हाथ में फोड़ दो उसको। उसको लेके आओ पहले इधर। भाई तुम निकलो पहले, तुम खुद मर जाओगे नहीं तो। यार बचाओ मुझे। ओ भाई उसे तो कुछ हुआ भी नहीं। भाई मेरे तरफ आओ पहले। दे दो भाई फ्लिंट एंड स्टील दे दो। भाई TNT तो लगाओ, किसको जलाऊंगा यार, दो ही बच्चे हैं। निकलो निकलो यहाँ से, भाई डिस्टेंस तो मिलेगा हमें कुछ। ओ भाई वो भाग रहा है TNT से डर के, शायद उसकी भी हेल्थ कम हुई है। भाई बहुत दूर है, निकलो पहले, उसको समझ भी नहीं आ रहा कहाँ जाना है। भाई मेरे पीछे आओ। अरे फ्लिक भाई वो सोल्जर बॉय दिख रहा है तुम्हें? भाई वो पागल जैसा हमको ढूंढ रहा है, कहाँ चलते? एक काम करते पीछे जंगल यही जा सकते हैं हम लोग। एक सेकंड, CCTV कैमरा क्या कर रहा है यहाँ पर? ओ भाई ये क्या है? ओ भाई ये कैसी नजर पड़ गई मेरी? और वो बंदा कहाँ पर है? ओ भाई वो गायब हो गया। भाई वो अपने तरफ ही आ रहा है, चलो भाई जंगल की तरफ चलो। भाई वो कैमरा से देख तो नहीं रहा है हमें? भाई किसी को कैमरा हमको ही देख रहा है। भाई हम जंगल के बीच में तो जा रहे हैं लेकिन कहाँ जाना ये नहीं पता। वो कुछ खुला भाई, एक सेकंड ये क्या है? यहाँ पे गेट है। ओ भाई चलो भाई सोल्जर बॉय आ जाएगा, यहीं पर जा सकते हैं हम लोग, सेफ दिख रहा है मुझे। यहाँ पे एक लीवर भी दिख रहा है फ्लिक भाई, रुक जाओ। वो बंद हो गया खुद ही। भाई ऑटोमेटिक काम कैसे चल रहा है? फ्लिक भाई किसके बेस में आ गए हम लोग? और वो दरवाजा खुल रहा है तुमसे, पीछे जो दरवाजा है ब्लॉक तोड़ो यार, हम फंस गए यहाँ पर। अगर लीवर खोलूंगा तो अंदर सोल्जर बॉय हो सकता है, मतलब हम अंदर है वो बाहर है, भाई मार देगा। ये टूट रहा है भाई, ये ब्लॉक टूट नहीं रहा है, लेकिन ये वाले ब्लॉक टूट रहे हैं। धक्का दे रहा है। एक मिनट, अरे टॉर्च क्यों दिख रहा है मुझे? भाई हटो तो। अरे टॉर्च किसका है? भाई ये टॉर्च किसका है? भाई ट्रांसलूसेंट भाई तुम इधर हो, टॉर्च गायब हो रहा है। भाई तुम क्यों धक्का दे रहे हो मुझे? भाई ट्रांसलूसेंट भाई यहाँ पर हो तो दरवाजा खोलो यार। भाई दरवाजा खुल गया, भाई जाना चाहिए हमें अंदर। भाई बंद भी हो गया। ओ भाई किसी की आवाज आ रही है। दरवाजे का पासवर्ड 1111 है। अच्छा पासवर्ड 1111 है, भाई खोल के देखता हूँ। एक सेकंड, ओ भाई कीपैड डोर है ये 1111। ओ भाई दरवाजा खुल गया, फ्लिक भाई आ जाओ। भाई ये कैसी जगह है? एक सेकंड आराम से जाना पड़ेगा। ओ टॉर्च दिख रहा है मुझे, मतलब ट्रांसलूसेंट यहीं पर है। और ये कौन सा सूट है यार? भाई ये सूट कैसे मिलेंगे? एक मिनट, अरे यार यहाँ पे कोई चीज टूट क्यों नहीं रही है? ओ भाई ये जगह में यार अलग अलग की पैनल है, इसके पासवर्ड डाल के देखो खुलेगा। भाई नहीं हो रहा है कुछ भी अंदर, कुछ है भाई अंदर दिख भी नहीं रहा क्या पर है। ओ भाई टीवी भी है यहाँ पर, टीवी का क्या काम आएगा? पता नहीं क्या काम आएगा। ट्रांसलूसेंट कहाँ पर हो भाई? यही पर हूँ लेकिन मैं थोड़ा इनविजिबल हूँ क्योंकि मैं थोड़ा गलत पोर्शन पी गया था, थोड़ा समय लगेगा मुझे। अच्छा तुम लोग अपना टाइम वेस्ट मत करो, सोल्जर बॉय आसपास ही होगा और वो टीवी है जिससे हम ऑपरेट कर सकते हैं कैमरास को। ओ ये CCTV कैमरा का टीवी है। अच्छा लेकिन भाई अपनी शक्ल तो दिखाओ। मैंने कहा ना मैं अभी शक्ल नहीं दिखा सकता, थोड़ा समय लगेगा मुझे। अच्छा अच्छा क्यों नहीं दिखा सकते भाई? मुझे एक चीज की बहुत जरूरत है, अगर तुम मुझे ला के दोगे तो मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, सारी बातें बता दूंगा और मैं कौन हूं अपनी शक्ल भी दिखा दूंगा, और मैं थोड़ी देर में थोड़ा सा दिखना चालू भी हो जाऊंगा। अच्छा आप थोड़ी देर में थोड़े बहुत दिखने चालू हो जाओगे, ओके ठीक है भाई। ये मॉनिटर उठा लो। अच्छा मॉनिटर उठा लूं मैं, ठीक है भाई उठा लेते हैं। ओके इसमें तीन कैमरे दिख रहे हैं मुझे। मुझे भी एक दो यार। एक ही दो है भाई, रुक जाओ मैं पहले देखता हूँ, कोई तो बाहर होगा। तो भाई कैमरा में देखता हूँ मैं हमको कोई मिलता है क्या। ओ भाई सोल्जर बॉय बाहर ही घूम रहा है और मुझे क्लियर दिख रहा है वो कैमरा में।
भाई घोड़ों को मार रहा है वो। अरे यार मुझे भी दिखाओ। एक मिनट भाई देखता हूँ पहले जाता कहाँ पर है वो। भाई कैमरे में देख रहा है वो। भाई सोल्जर बॉय तलवार दिखा रहा है यार, और कुछ बोलना चाहता शायद वो। भाई तोड़ दिया कैमरा उसने। ओ फ्लिक भाई कैमरा तोड़ दिया उसने। लेकिन एक सेकंड, ओके ये कैमरा नहीं देख सकता हूँ मैं। एक और कैमरा है हमारे पास में। ओ भाई एक और कैमरा है हमारे पास में, और लेकिन ये हमारे बेस के ठीक आगे लगा हुआ है। ये हमारा सीक्रेट बेस है। एक मिनट, वो फिर से आ गया। वो फिर से आ गया भाई। भाई बेस की तरफ आ रहा है अपने वो। भाई मुझे ऐसा क्यों लगता है ये वाला जो कैमरा है थोड़ा सीक्रेट कैमरा है, क्योंकि इसको वो नहीं देख पा रहा है। अभी साइड से निकला है वो। ओ भाई अभी अपने बेस के सामने से निकला है वो और आगे की तरफ चले गया। एक काम करो भाई तुम पकड़ो ये, देखो एक बार। कैमरा नंबर 2 पे देखना, मैं एक बार बाहर देख के आता हूँ एकदम आराम से। अरे डैश भाई दरवाजा मत खोलना, वो सामने ही खड़ा है। मतलब बेस के सामने अपने? हाँ हाँ गेट के सामने है। मतलब उसको समझ तो नहीं रहा ना कि अंदर होंगे हम लोग। पता नहीं, बहुत सीक्रेट तो है ये, लेकिन मुझे नहीं पता। ठीक है भाई एक काम करो फिर से दिखाओ तो। कैमरा नंबर 3 पे चेक करते कहाँ पर है वो अभी। ठीक है 2 पर तो नहीं दिख रहा है, 2 से चले गया। अच्छा अभी अभी गया होगा कहीं पर वो। एक काम करते 3 पे जाते हैं। ओके भाई 3 से बड़ा सा व्यू दिख रहा है। ओ भाई तीसरा वाला कैमरा का व्यू तो बहुत प्यारा है यार, एकदम ऊपर से दिख रहा है। ओ ये रहा सोल्जर। भाई पेड़ के ऊपर क्या कर रहा है, कैसे पहुंच गया इतना ऊपर? भाई ये कैमरा बेस के किस तरफ है मुझे पता नहीं है, शायद नीचे अपना बेस कहीं पर है जंगलों के बीच में, और ये बंदा वहीं पर घूम रहा है। शायद उसको ऊपर से कुछ दिख जाएगा उसको लग रहा है। भाई लगता है ये दूसरा कैमरा और तीसरा कैमरा बहुत ज्यादा हाइट में, मतलब एक तो छुपा हुआ है और एक हाइट में तो देख नहीं पा रहा है ये। और भाई कहाँ पर जा रहा है, कहीं पर तो गया ये। भाई चले गया शायद ये, और कैमरा नहीं है हमारे पास में। एक मिनट देखता हूँ मैं। भाई एक सेकंड, वो 3 ही कैमरे है हमारे पास में, और कैमरे नहीं है। भाई इसने और कैमरे लगाए नहीं है शायद, या होंगे कहीं और पे। एक बार थर्ड कैमरे को फिर से देख लेता हूँ मैं। भाई मुझे तो आसपास कहीं पर भी नहीं दिख रहा है, शायद चले गया है वो। अच्छी बात है। ओ फ्लिक भाई वो बंदा शायद चले गया है। हाँ यार मुझे वही लगता है। भाई ट्रांसलूसेंट भाई आप अपना चेहरा दिखा दो यार, अपने बारे में कुछ बताओ, हम जब से ढूंढ रहे तुमको। मैं तुम्हें सारी बातें बताऊंगा, किंग पिक के बारे में भी, सोल्जर बॉय के बारे में भी, और अपने बारे में भी। मैं तुम्हें एक अलग जगह भेजूंगा, सारी चीजें मैं दूंगा तुम्हें, बस तुम्हें मेरा काम करना है और वो सामान लेके आना है। बिल्कुल भी खतरा नहीं है इसमें, बस जाना है और आना है, बस थोड़ा बच के रहना। अभी मैं तुम्हें अपना टेम्पररी चेहरा दिखा सकता हूँ। ओ भाई मिल्क बकेट, ये मेरा टेम्पररी चेहरा। ओ भाई तुम ऐसे दिखते हो क्या यार? ओ भाई ये तो ग्लिच है। ना मैं ग्लिच हूँ ना मैं ऐसा दिखता हूँ, अभी मेरे ऊपर एक रिएक्शन हुआ उसका असर है। तुम मुझे डॉक्टर प्रोफेसर ट्रांसलूसेंट कह सकते हो। भाई मतलब तुम्हारा नाम डॉक्टर ट्रांसलूसेंट है, मतलब तुम एक डॉक्टर हो? डॉक्टर नहीं प्रोफेसर, और तुम्हें अभी चांद पे जाना पड़ेगा। और भाई मुझे चांद पे जाना पड़ेगा, और जो मैं चीज बता रहा हूँ वो लेके आना पड़ेगा, बहुत कीमती है। तो फ्लिक भाई हम में से किसी एक को चांद पे जाना पड़ेगा और एक चीज लेके आना पड़ेगा जो ये डॉक्टर ट्रांसलूसेंट ने बोला है। तो भाई तुम जाओगे या मैं जाऊँ? नहीं भाई तुम ही चले जाओ। अच्छा तो तुम्हारे लिए भी एक काम है इसके पास में, तो वो तुम्हें करना पड़ेगा, हो सकता है वो ज्यादा डिफिकल्ट हो। नहीं वो चलेगा, लेकिन चांद बहुत ज्यादा दूर है यार। ठीक है तो चांद पे मैं ही जाता हूँ। तो यार ट्रांसलूसेंट ने मुझे बोला है कि ये वाले चेस्ट में जो लॉकर वाला चेस्ट है इसके अंदर कुछ चीजें हैं जो मुझे चांद पे जाने में काम आएगी। तो यार लॉकर चेस्ट का जो पासवर्ड है वो है 1111। भाई इधर हर जगह का पासवर्ड यही है, और यहाँ पे एक ब्रीफ केस है, और इसका ओनर मैं हूँ, मतलब मेरे लिए रखा था ट्रांसलूसेंट ने। तो एक काम करता हूँ इसको खोल के देखता हूँ। तो इसका पासवर्ड है 6969। भाई बड़ा भयानक पासवर्ड है। ठीक है भाई कोड अभी एंटर कर देता हूँ मैं। ओ भाई इसमें कुछ सामान है, ऑक्सीजन मास्क है, और बहुत कुछ है, रॉकेट भी है, शायद इसे चांद पे जाना है मेरे को। तो भाई डॉक्टर ट्रांसलूसेंट मैं जा रहा हूँ चांद पर, और फ्लिक के लिए जो भी काम है वो करवा लेना उससे। भाई तुम्हारा काम मैं कर दूंगा, तो अपना असली चेहरा दिखा देना और बाकी चीज़ें बता देना हमें। भाई इसका पासवर्ड था 1111। भाई खुल गया दरवाज़ा। भाई बाहर बस सोल्जर ना हो, वैसे वो चले गया था। भाई इधर भी कोई लॉक है क्या यार? अच्छा यार खुल गया, क्या बात है यार। इसको बंद भी तो करना पड़ेगा, सीक्रेट दरवाजा है, पीछे से बंद करने का रास्ता है वैसे। ठीक है भाई लीवर को दबाना है मुझे, शायद बंद हो गया है। ठीक है भाई ये तो बंद हो गया, क्या बात है। अगर इसको मैं तोड़ूंगा ना तो इसके अंदर जा सकता हूँ मैं, लेकिन वो जो दरवाजा है वो खुलेगा नहीं, और वो जो ब्लॉक है वो टूटेंगे नहीं। तो अच्छा यार सेफ जगह है। भाई यहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बी से, तो यहाँ से निकल रहा हूँ मैं। तो यार ट्रांसलूसेंट ने मुझे बताया था कि एलियन आए थे और उन्होंने उसका सामान लेके चले गए थे, तो यार वो सामान मुझे वापस लाना है, तभी मुझे बताएगा कि मिस्टर पिक कौन है और वो कर क्या रहा यार, और हमें क्यों मार रहा है, और ट्रांसलूसेंट को भी क्यों मार रहा है, उससे पहले बताएगा नहीं वो। और अगर वो सामान मैंने ला दिया तो अपना असली चेहरा भी दिखा देगा हमें, और यार मुझे भी देखना कैसा दिखता है बंदा, क्योंकि ये डॉक्टर है शायद कोई। देखो एक्स तो मेरा टूट गया, तो एक काम करता हूँ एक एक्स बनाता हूँ और एक पिकेक्स बना लेता हूँ अपने लिए। तो यार डॉक्टर ट्रांसलूसेंट ने मुझे बताया था कि मुझे कोई ऊंची जगह में जाना पड़ेगा रॉकेट का टेक ऑफ करवाने के लिए। तो यार ऊंची जगह तो यहाँ पर है नहीं, एक काम करता थोड़ा आगे जाता हूँ, वैसे भी यहाँ पे सेफ नहीं है, वो सोल्जर वगैरह आ गया यहाँ पर, यहीं पर कहीं पर घूम रहा होगा वो। निकलते हैं भाई यहाँ से। तो भाई ये माउंटेन मुझे परफेक्ट लग रहा है, क्योंकि यार बहुत ही ऊपर है ये, और ये मेरे पुराने बेस के आसपास ही है। ये वाला बेस यहाँ पर कहीं पर था मेरा, जो खराब हो चुका है भाई, वो सोल्जर ने खराब कर दिया। तो एक काम करते हैं, पहले इसके ऊपर जाता हूँ मैं, और इसके ऊपर जाने के लिए मुझे वाटर बकेट तो लगेगा ही, और यार खाने की कमी पड़ रही है मुझे। तो यार मेरे ब्रीफ केस में कुछ खाना भी था, पहले पासवर्ड डाल देता हूँ मैं। ठीक है ये था पासवर्ड। ओके भाई चीज़ है यहाँ पर, एक काम करता हूँ चीज़ ले लेता हूँ मैं, और ये जो सामान यार ये भी ले लेता हूँ अपनी इन्वेंट्री में, क्योंकि यार रख के क्या करूँगा मैं। दो दो रॉकेट है मेरे पास में, शायद एक जाने के लिए एक वापस आने के लिए होगा। ये रोवर चलाने के लिए शायद फ्यूल लगेगा, हाँ इसको भी फ्यूल चाहिए और इसको भी फ्यूल चाहिए। तो भाई चलते सीधा ऊपर पहले, जितना जल्दी हो सकता है। भाई लगता है ऊपर पहुँच ही गया हूँ शायद मैं, यहाँ पर पानी डालना पड़ेगा मुझे। भाई कितना बड़ा पहाड़ है ये, और भाई टॉप पर पहुँच गया हूँ मैं, क्या बात है। तो एक काम करता हूँ, ये एरिया मुझे बेस्ट लग रहा है, और देखो वो रहा विलेज,
और यहाँ पर कई बार घर था मेरा, तो एक काम करता हूँ लॉन्च पैड यहाँ पे रखता हूँ मैं, मुझे इस तरीके से रखना है। और ये सूट भी पहन लेता हूँ पहले, इसको उतारो। और यार सूट तो अच्छा लग रहा है मुझे, ठीक है भाई। ओ ऑक्सीजन 37% है मेरे पास में, वैसे भी अर्थ में क्या ऑक्सीजन लगेगा, लगेगा तो चांद पर, यहाँ पर तो ऑक्सीजन पहले भी है। ठीक है भाई ऐसे लगा देता हूँ लॉन्च पैड में। ओके 9 लगाना है मुझे, बस बस 9 तो लग गए। पहले इसको थोड़ा थोड़ा साफ करना पड़ेगा एरिया, रॉकेट लॉन्च नहीं होगा नहीं तो। ठीक है भाई अपना रॉकेट ये रहा, फ्यूल ले लेता हूँ मैं, थोड़े फ्यूल लगने वाले हैं मुझे क्योंकि। ओ भाई ये कौन सा रॉकेट है यार इतना बड़ा, मतलब बड़ा तो रॉकेट होगा ही, पर इसको उठा पा रहा हूँ मैं, कुछ ज्यादा दम नहीं आ गया मेरे अंदर। ठीक है भाई इसको रख देते। ओ क्या रॉकेट है अपना, क्या बात है। तो फ्यूल कैसे भरूँ इसमें मैं अंदर बैठ गया हूँ। ओ भाई मैं इसके अंदर हूँ लेकिन टेक ऑफ नहीं हो रहा है, फ्यूल तो भरना पड़ेगा यार मुझे, कैसे टेक ऑफ होगा। और यार मैं कितना बढ़िया लग रहा हूँ, मैं देखा नहीं था अभी तक के। भाई फ्यूल का क्या करूँ, फ्यूल टैंक खुल जाए, अरे खुल गया भाई फ्यूल टैंक, यहाँ पे फ्यूल 0 है। तो पहले ये फ्यूल भरता हूँ मैं। ठीक है भाई ये बकेट फुल हो रहा है 23%, इसको हटाओ पहले, इसको रख देता हूँ मैं। ठीक है भाई इतना हो गया, अब लास्ट बकेट भरना है मुझे ताकि मैं टेक ऑफ कर पाऊँ। क्या बात है 100% फ्यूल हो चुका है। और यार मौसम पूरा खराब हो चुका है भाई, वो सोल्जर ना आ जाए बस यहाँ पर। तो एक काम करता हूँ ये सही समय निकलने का यहाँ से। ठीक है भाई बैठते रॉकेट में। ओ भाई टेक ऑफ हो रहा है 8 7, भाई कुछ ही देर में जाने वाले हम लोग स्पेस में। 3 2 1, भाई रॉकेट उड़ रहा है अपना। और यार फ्यूल कुछ ज्यादा यूज हो रहा है भाई, बस पहुंच जाऊं मैं, मैंने फुल किया था टैंक वैसे भी। और भाई क्या प्यारा नजारा यार, कितने तेजी में ऊपर जा रहे हैं हम लोग। बस ये रॉकेट खराब ना हो जाए यार, कहीं और लैंडिंग ना कर जाऊं मैं। भाई वर्ल्ड कितना छोटा लग रहा है, वर्ल्ड तो खराब ही हो रहा है भाई। बिजली बिजली भी कड़क रही है यार, बहुत स्पीड में चल रहे हैं हम लोग। और भाई रॉकेट कितना सा अपना, कितना सा दिख रहा है मुझे रॉकेट भाई, एक बंदे की जगह है। अच्छा वो फ्लिक नहीं आया भाई, बस स्पेस में पहुंच ही गए हम लोग। अपना अर्थ देखो कितना सा दिख रहा है अभी। और यार ये सोलर सिस्टम है अपना, यहाँ पर मुझे सारे प्लैनेट नहीं दिख रहे, बाकी प्लैनेट दूर होंगे शायद। मुझे अर्थ मार्स मर्क्यूरी और वीनस दिख रहे हैं। तो यार मुझे अर्थ में जाना है क्योंकि अर्थ में मुझे चांद मिलेगा, मतलब मून मिलेगा, और मून के स्पेस स्टेशन में। अरे यार स्पेस स्टेशन में जाने के लिए मुझे बहुत सारी चीजें चाहिए। ऑर्बिट में जा सकता हूँ पर ऑर्बिट में जाके क्या करूंगा, एक काम करता हूँ सीधा मून पर लैंडिंग करते हैं, और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास में। चलो भाई, अरे यार क्रैश लैंडिंग नहीं करना है मुझे भाई, मुझे कहा था स्पेस दबाने के लिए ताकि मैं लैंड कर पाऊँ अच्छे से। और भाई ये नीचे कौन सा जानवर है भाई, ये मारेगा तो नहीं? ओ इसे नहीं मारा, शायद मार नहीं आ रहा है मुझे क्योंकि मेरे पास आ रहा है ये, नहीं चलेगा ये। और भाई कितना बड़ा जानवर है ये, करूँ क्या मैं यहाँ से निकलूँ, मेरे पूरे एक्सपी कहाँ चले गए यार। कोई बात नहीं चलो यार उतरते हैं यहाँ पर। ठीक है भाई उतर चुका हूँ, और यार मून पे आ चुके अपन, अपना अर्थ कहाँ पर? ओ भाई पीछे अर्थ है अपने, क्या बात है कितना प्यारा अर्थ दिख रहा है अपना, अर्थ जैसा लग तो नहीं रहा है पर कोई बात नहीं क्योंकि मैं दूर से देख रहा हूँ ना पहली बार। और ये जानवर मुझे मार नहीं रहा है, और ये है क्या चीज़, एक सेकंड। अच्छा यहाँ पर ग्रेविटी बहुत ज्यादा कम है ना भाई, मैं यार कितने ऊपर जा रहा हूँ भाई, मैं तो 4-5 ब्लॉक ऊपर खुद पा रहा हूँ। लेकिन एक मिनट भाई एलियन दिख रहे हैं मुझे वहाँ पर। ओ भाई ये क्या है, अगर मैं इनके पास जाऊँगा और इन्होंने मारने चालू किए तो भाई एक काम करता पहले जाता हूँ इनके पास में, मेरे पास में आर्मर तो अच्छा ही है। ठीक है भाई इससे मुझे अच्छा प्रोटेक्शन मिल जाएगा, हथियार भी है मेरे पास में। अरे एक काम करता हूँ पहले ब्रीफ केस को निकाल लेता हूँ, इसका पासवर्ड पहले डाल देता हूँ मैं। और इससे मुझे रॉकेट तो नहीं निकालना है अभी, मुझे बस रोवर निकालना है। और फ्यूल ले लेता हूँ, फ्यूल पूरे के पूरे। कहाँ गए भाई वो एलियन? ओ वहाँ पर पहुँच गए भाई, वो उड़ रहा है हवा में? नहीं उड़ नहीं रहा, पास जाके देखना पड़ेगा मुझे। और यार इसका क्या करूँ मैं क्योंकि ये मेरे काम नहीं आने वाला है अभी। ओ भाई ये उड़ कहाँ रहा था? अच्छा ये रॉकेट है एक्स्ट्रा का, अच्छा मुझे एक रॉकेट एक्स्ट्रा मिल चुका है। ठीक है भाई वो रहा एलियन, उनके पास जाता हूँ बात करके आता हूँ उनसे, क्योंकि जो मुझे सामान चाहिए उन्हीं के पास मिल सकता है। भाई गायब कहाँ पर हो रहे हैं एलियन? वो कुछ है सामने, लेकिन एक काम करता हूँ मेरे पास में रोवर है, तो एक काम करते हैं भाई ये जो रोवर है ना इसको यहाँ पर रखते हैं पहले। ठीक है भाई ये रोवर यहाँ रख देता हूँ मैं। और भाई ये रोवर नहीं है एक्चुअली में गाड़ी है जो मून पे चलती है, और भाई बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है ये, डॉक्टर शायद ट्रांसलूसेंट ने बनाया है मेरे हिसाब से तो, क्योंकि उसी ने मुझे दिया है। तो एक काम करते हैं इसमें बैठते हैं पहले। भाई चल क्यों नहीं रही है ये? अच्छा इसमें फ्यूल तो डालना पड़ेगा यार मुझे, तो एक काम करता हूँ। ओ ये रहा इसका इन्वेंट्री फ्यूल का। ठीक है भाई इसमें फ्यूल डालते हैं, इतना फ्यूल काफी होगा यार। भाई चल रही है अपनी गाड़ी, ठीक है भाई उस तरफ निकलते हैं। और भाई बहुत ज्यादा स्पीड में चल रही है यार गाड़ी अपनी। ठीक है भाई ये एलियन कहाँ पर है? पहले इससे बात करता हूँ मैं उतर के। ओ भाई ये मार रहा है मुझे कुछ, एक मिनट उतर के बात करता हूँ। सच में मार रहा है मुझे? नहीं ये गाड़ी को मार रहा है मुझे नहीं। भाई क्या डैमेज है इसका, हवा में फेंक दे रहा है मुझे दूर। भाई आराम से डॉच कर सकता हूँ क्योंकि मैं उड़ सकता हूँ, मतलब उड़ तो नहीं सकता पर 3-4 ब्लॉक खुद सकता हूँ। भाई इसको मारना ही पड़ेगा मुझे शायद, भाई इनसे पंगा लू कि नहीं मैं। एक काम करता हूँ मार ही देते हैं, किसको मालूम चलेगा आया था मैं यहाँ पर। भाई ये मर भी नहीं रहा है और बहुत ज्यादा डैमेज दे रहा है मुझे, भाई इसको नहीं मार पा रहा हूँ मैं क्योंकि यार दूर फेंक दे रहा है मुझे। काम करता हूँ चीज खाता हूँ पहले, शायद हार मानेगा। नहीं यार ये कुछ भी नहीं, हार नहीं मार रहा और मेरे पास भी आ रहा है ये। भाई मुझे अपनी गाड़ी में बैठ के निकलना पड़ेगा यहाँ से, ये मार ही देगा मुझे। भाई चलो बहुत स्पीड में हूँ मैं अभी। ठीक है भाई आगे और भी एलियन है, भाई ये लोग मार देंगे यार मुझे। एक काम करता हूँ मुझे इस जगह पे जाना है, ऐसी कोई जगह पे जाना है, कुछ तो है यहाँ पर, देखते क्या मिलेगा। तो भाई इस तरफ निकलते पहले गाड़ी अपनी अच्छे से पार्क करता हूँ मैं। ठीक है यहाँ पे पार्क कर देता हूँ थोड़ा दूर में ताकि मेरी गाड़ी लेके कोई ना भाग जाए। भाई यहाँ पे जाना सेफ होगा कि नहीं मुझे पता नहीं है, दूर से छोटी सी जगह दिख रही है और पास जाके देख रहा हूँ इतनी बड़ी जगह है। ठीक है भाई अंदर कैसे तो पहुंचा हूँ मैं, और यहाँ पे सीढ़ियाँ भी लगी हुई है। भाई सीढ़ियाँ क्यों लगी है अब? ठीक है भाई चलते हैं नीचे, और जो मुझे सामान लाना है यही पर मिल सकता है मुझे। कि भाई नीचे पहुंच गया हूँ मैं, क्या बात है। ओ ये क्या है, एक बड़ा सा हॉलवे है और आगे कोई तो है भाई, वही एलियन है? नहीं 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 अलग वाले, ये अच्छे एलियन दिख रहे हैं मुझे क्योंकि इनके हाथ नहीं है। भाई ये मुझे अपने विलेजर जैसे दिख रहे हैं पर इनका ब्रेन थोड़ा बड़ा है, तभी तो जाके चांद पर रहने आए ये लोग। ये अपने विलेजर ही होंगे जो चांद पर आके रहना चालू कर दिए, बाकी तो वही के वही रह गए। भाई अगर इन लोगों ने मारे तो मैं मर जाऊँ क्योंकि बहुत सारे हैं। पहले इनसे जाके बात करता हूँ मैं। नहीं यार ये लोग नहीं मार रहे मुझे, और इनका गोलम वगैरह कहाँ पर है? शायद इनको गोलम की जरूरत नहीं है। भाई यहाँ पे खेती कर रहे हैं लोग। ओ भाई रुक जाओ, ओके बोन मिल, क्या बात है बोन मिल मिल गया मुझे।
वो कितने सारे फार्मर है यहाँ पर? नहीं नहीं अलग अलग टाइप के है ये। अच्छा ट्रेड भी करते हैं लोग भाई, मेरे पास एमरल्ड नहीं है। और क्या दे सकते हैं लोग? कुछ भी अच्छा नहीं दे रहे यार, कुछ चांद वाली चीजें दो जो चांद पे मिलती हो। नहीं यार कुछ भी नहीं दिए, और मेरा ऑक्सीजन भी कम हो रहा है भाई। मैं ज्यादा परसेंट में लाया था, अभी थोड़ा सा ही बचा है। विलेजर हमेशा ही बर्बाद रहेंगे यार, दिमाग तो है नहीं, इतना बड़ा दिमाग बना के क्या कर लिया इन लोगों ने। इसका दिमाग कितना बड़ा यार। खैर इसे ट्रेड करके देखता हूँ मैं क्या देता है। ओके एक मिनट, ये फ्लैग दे रहा है, क्या बात है। अगर मैं इसे फ्लैग खरीदूंगा तो यार मैं अपना ऐसा निशानी बना सकता हूँ कि मैं यहाँ पर आया था। तो यार इसको अभी पकड़ के रखते हैं, अभी फ्लैग लूंगा मैं इसे। यहाँ पर ढूंढते यार वो सामान कहाँ पर मिलेगा मुझे, पर शायद ये लोग मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं। मैं आज से आया हूँ भाई। एक बात बताओ, कोई लोग जगे हुए हैं, कोई सोए हुए हैं, ये कौन सा सिस्टम है इनका? इसको उठा दिया मैंने, मारेगा तो नहीं उठा दिया तो। ओके एमरल्ड मिल गया मुझे, क्या बात है, डायमंड भी मिल गया। और ये क्या है, स्टील इंगट? भाई स्टील कब से मिल लग गया? शायद चांद पे मिलता होगा भाई, चांद पे भी तो होगा केव। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ डायमंड, ये ले लेता हूँ आयरन और कचरा यहाँ पर फेंक देता हूँ पूरा। ओ और भी डायमंड है यहाँ पर, क्या बात है भाई। इससे पहले फ्लैग ले लेता हूँ मैं, कहीं भाग जाएगा ये, क्योंकि भाई ये रेड वाला फ्लैग ही है इसके पास में। ठीक है ये दो ले लेता हूँ, एक काम करता हूँ दोनों के दोनों लगा दूंगा मैं यहीं पर ही, ताकि मालूम तो चले आया था मैं। और भाई ये फ्लैग बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है यार मेरे पास। और भाई मेरा हाइट कितना कम है इनसे, मुझे नहीं मानता, मुझे लगा छोटे होंगे ये लोग। अच्छा इनकी मुंडी कुछ ज़्यादा बड़ी है ना इसलिए, इसकी मुंडी बहुत ही बेकार लग रही है मुझे। खैर कोई बात नहीं यार, इसका सर बड़ा है तो मैं क्या कर सकता हूँ। आगे चलते हैं भाई। और यहाँ पर इतने सारे क्यों है? एक मिनट, ये बंदा यहाँ पर क्या कर रहा है? और ये कारपेट क्या कर रहा है? कारपेट तो मैं देखा नहीं हूँ कहीं पर भी भाई। इसको थोड़ा साइड हटाते हैं। और ये क्या ऊपर, ये तो देखा भी नहीं मैंने। काम करता हूँ इसको तोड़ के देखता हूँ। नहीं यार कोई काम की चीज़ नहीं है, एक काम करता हूँ इसको वापस लगा देता हूँ। चलो भाई ये लोग हटे तो है, और मुझे ही क्यों देख रहे हैं। एक काम करता हूँ इनको यहाँ पर बुलाता हूँ ट्रेड करने के बहाने। नहीं यार ये लोग आने नहीं वाले हैं, शायद यही जगह में कुछ खास है। ओ भाई कारपेट, भाई मारेगा तो नहीं ना मुझे? खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे कारपेट लगा देता हूँ मैं अपना। और यार ये चेस्ट को खोलते हैं, भाई चेस्ट खोलने दे रहा है मुझे। और ये मिल गया मुझे प्रोटेक्टो, भाई यही तो चाहिए था उसे, क्योंकि यार ट्रांसलूसेंट ने मुझे भेजा है प्रोटेक्टो लाने के लिए। पता नहीं क्या काम है इसका, तभी जाके मुझे स्टोरी बताएगा पूरी कि क्या क्या हुआ इसके साथ में, और वो जो मिस्टर पिगी वो मेरे पीछे क्यों पड़ा है। तो इसको उठा लेता हूँ मैं जल्दी से, और इसको इन्वेंटरी में रख देता हूँ, छीन के ना भाग जाए कोई। और यार यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा, क्योंकि यार अगर वो ऊपर वाले एलियन को बुला दिए तो यहाँ पर तो फंस जाऊंगा मैं। और ये दो कमरे मैंने देखा हूँ, शायद देख लिया हो शायद मैंने, ये वाला कमरा शायद नहीं देखा हूँ मैंने। ओके यहाँ पर फ्यूल बकेट है, क्या बात है, जो चाहिए था मुझे वो भी मिल गया। ठीक है भाई फ्यूल बकेट लेके निकल रहा हूँ, तीन चार ज्यादा ही फ्यूल बकेट हो गए। कोई बात नहीं काम आएंगे मुझे, क्योंकि मुझे वापस भी तो अर्थ पे जाना है, हाइबर नहीं फंसना इन पगलों के साथ में। मेरा व्हीकल कहाँ पे चले गया? ओह वो राखी से चोरी नहीं किया है। खैर जाने दो यार वो सब छोड़ो, यहाँ पे एक फ्लैग लगा देता हूँ मैं, ताकि मैं यहाँ पर आया हुआ था। और एक काम करता हूँ ऐसे नहीं लगाता हूँ। ओके इसके ऊपर फ्लैग लगेगा, लगना तो चाहिए। ओके भाई मेरा फ्लैग लग गया, भाई मेरा चेहरा भी है इसमें, क्या बात है भाई, क्या लग रहा हूँ मैं इधर चांद पे पूरा, और ऊपर अपना अर्थ, नीचे मेरा फ्लैग। ठीक है भाई यहाँ पर फ्लैग लगा देते हैं। और यार मेरा चेहरा देखो यार, सेम टू सेम मेरे जैसा ही। काम करते एक बार हेलमेट उतारते, देखते क्या होता है। भाई डैमेज पहुंच रहा है मुझे, लेकिन एक बार चेहरा देख लूंगा मैं। ओ भाई जल्दी मर जाऊंगा मैं। ठीक है भाई चीज़ खा लेते, चीज़ इसलिए तो दिया था मुझे। तो एक काम करते यार, ये जो रोवर है ना यहाँ से थोड़ा भटकते, क्योंकि यार मैं अर्थ में वापस चले जाऊंगा वैसे भी, तो यार थोड़ा भटक लेते क्योंकि ऑक्सीजन है मेरे पास में, और रोवर में फ्यूल भी है। एक बार फ्यूल चेक कर लेता हूँ मैं फिर देखते। ओके फ्यूल कम ही है यार, लेकिन मेरे पास में तीन बकेट वैसे भी तो है। यहाँ पर बैठ के निकलता हूँ मैं, और कहीं तो पहुंच ही जाऊंगा मैं। ठीक है भाई फुल स्पीड में निकलता हूँ यहाँ से। भाई फ्यूल खत्म हो चुका है, ऑक्सीजन बचा हुआ है मेरे पास में बहुत सारा। ऑक्सीजन का टेंशन नहीं है मुझे, बस मुझे भागना पड़ेगा यहाँ पर। मतलब फ्यूल में भर सकता हूँ, लेकिन यार अभी भर के मतलब नहीं है भाई, मुझे ऐसी कोई जगह ही नहीं मिल रही जहाँ पे मैं नीचे जा पाऊँ। ये पर खोद देता हूँ, एक काम करता हूँ। ओ भाई अच्छा फॉल डैमेज नहीं मिला मुझे ज्यादा, और ये फिर ये पर है। एक काम करता हूँ इस बार इसको डैमेज देता हूँ, कोई आसपास तो है नहीं, क्या करता देखते हैं। भाई ये बहुत गंदा, नहीं गंदा तो नहीं मार रहा है, तो इजीली निपटा सकता हूँ शायद मैं। ओ भाई डैमेज दे रहा ही है, भाई मर जा जल्दी, भाई इसका बहुत ज्यादा रीच है, इजीली मार देगा मुझे, मुझे निकलना पड़ेगा यहाँ से। ओ भाई आ ही रहा है ये, भागना ही पड़ेगा मुझे। और ये गोल्ड है यहाँ पर, बहुत सारा गोल्ड है चांद पर, चांद पर कब से गोल्ड होने लग गया। खैर कोई बात नहीं, पीछे छूटा ही नहीं यार, पीछे ही आ रहा है मेरे। तो यार मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, खतरनाक सी जगह ये, चीज़ खा लेता हूँ पहले थोड़ा सा। और भाई एक बात बताओ, मैंने बहुत खतरनाक चीज़ देखा हो अभी, अभी देखो, अभी आपको रात दिख रही होगी, आपको ऊपर मेरे अर्थ दिख रहा होगा, लेकिन एक चीज़ देखो भाई वहाँ पे सुबह हो रही है यार, मतलब मून पे भी तो सुबह होगी ना। और भाई जो मून की सुबह है ना वो देख तो पाऊंगा नहीं मैं, क्योंकि मेरे पास में ज़्यादा समय है नहीं यहाँ पर। यार कोई और आके मार देगा मुझे, पता नहीं यार यहाँ पे कौन सा बॉस है क्या है, क्योंकि मून में पहली बार आ रहा हूँ मैं। और यहाँ पे कितने सारे स्टार्स दिख रहे हैं यार, अर्थ से इतना नहीं दिखता है। और यार बाकी सब तो ठीक है, लॉन्च पैड तो है ही नहीं मेरे पास में, तो यार मुझे वो वाले विलेज में वापस जाना पड़ेगा, मतलब वो जो भी है सिविलाइजेशन या विलेज जो भी है, भाई वहाँ पर वापस जाना पड़ेगा मुझे। तो जल्दी चलते हैं यार, और कोई ना मिल जाए वहाँ पर, जल्दी आता हूँ मैं। ठीक है भाई पहुंच गया मैं अलग वाले विलेज में, और यार सब कुछ खत्म हो गया, आखिरी चेस्ट बचा हुआ है, इसमें कुछ मिल जाए। ओके भाई रॉकेट लॉन्च पैड है यहाँ पर, क्या बात है, 11 मिल गया मुझे, इतनी की जरूरत नहीं। एक काम करता हूँ, 9 ही चाहिए ना, बाकी छोड़ देता हूँ यार, इन लोगों ने बहुत हेल्प की है मेरी। भाई मेरे पास में एक आइडिया आया, एक काम करता हूँ ना, ये वाले विलेज के ऊपर ही अपना फ्लैग लगा देता हूँ। तो ऊपर जाना पड़ेगा पहले मुझे, ये फ्लैग को मैं बीच में लगा देता हूँ, क्या लग रहा हूँ यार मैं इसमें। भाई एक फ्लैग मेरे पास में अभी बचा हुआ है, तो एक काम करता हूँ जहाँ से मैं मून से उड़ूंगा, मतलब टेक ऑफ लूंगा अर्थ के लिए, वहाँ पे लगा दूंगा ये वाला फ्लैग। ठीक है भाई ये एलियन बाबा जी यहीं पर है, तो एक काम करता हूँ यहाँ पर लगा देता हूँ अपना एक और फ्लैग। भाई निशानी होनी चाहिए ना कि मैं आया था यहाँ पर, लग गया लास्ट। ओके ये ऊपर आ चुका है, मतलब अभी रॉकेट रख सकता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है भाई रॉकेट लगा दिया मैंने अपना, और यार मैं कितना सा लग रहा हूँ रॉकेट के सामने, लेकिन यार रॉकेट में एक ही बंदा आ सकता है, इसलिए फ्लिक नहीं आ पाया।
खैर कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं ऑयल डाल देता हूँ, मैं अभी तो उड़ नहीं पाऊंगा। नहीं ठीक है यार, ऑयल डालना पड़ेगा मुझे। ठीक है भाई, चांद से निकल रहा हूँ मैं। और यार सुबह हो ही रही है अभी, लेकिन यार इतना समय नहीं है मेरे पास, मैं इतना रुकना नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, 10 सेकंड में टेक ऑफ हो रहा है अपना, अर्थ में वापस जा रहे हैं हम लोग। और जो मुझे चाहिए था ये रहा प्रोटेक्टर, वो तो मिल चुका है मुझे। तुम लोग देख पा रहे होंगे बाजू में मीटर है मेरा, जिससे मैं ऊपर जा रहा हूँ। जैसे वो टॉप पे पहुंच गया, वो स्पेस में पहुंच जाऊंगा मैं। और यार अभी अपना मून बहुत छोटा हो चुका है, मतलब यार मून से बहुत ऊपर आ गया हूँ मैं। ठीक है भाई, स्पेस में पहुंच गया हूँ मैं। और ये रहा अर्थ अपना, ये रहा मार्स, ये रहा मर्क्यूरी, वीनस। और वीनस में क्या, वीनस में कुछ भी नहीं है। और यार ये जो हमारा बाजू में जो प्लैनेट है मार्स, उसमें क्या दिख रहा है? ठीक है, मार्स है, ऑर्बिटर और स्पेस स्टेशन है। भाई स्पेस स्टेशन, खैर छोड़ रहा है, स्पेस स्टेशन में नहीं जाना है। जो अर्थ है वहाँ पर वापस चलते हैं अपन। ऑर्बिट, स्पेस स्टेशन, स्पेस स्टेशन में जाऊँ कि नहीं? यार वो उतना सामान ही नहीं है मेरे पास में। आयरन प्लेट चाहिए मुझे और डैश प्लेट चाहिए। भाई ये सब क्या है? खैर कोई बात नहीं, अर्थ में वापस चलते हैं। ओके भाई, बहुत स्पीड से जा रहे हैं हम लोग। भाई ये कहाँ पर लैंड कर रहा हूँ मैं? कंट्रोल करना पड़ेगा यार रॉकेट को मुझे अपने, ये तो क्रैश लैंडिंग हो जाएगी। ओके भाई, क्या प्यारी लैंडिंग हुई है। और क्या बात है यार, अपन अर्थ में वापस आ चुके हैं अपने। और यार यहाँ पर आसपास किसकी आवाज़ आ रही है? नहीं नहीं, वो मेरे बूट्स की आवाज़ है। तो एक काम करता हूँ, इसको निकालता हूँ पहले, क्योंकि ऑक्सीजन मुझे मिल रहा है। ओके भाई, अर्थ में ऑक्सीजन है ना, तो अच्छे सांस ले पा रहा हूँ मैं। वो सोल्जर यहाँ पे ना आ जाए ना, एक काम करता हूँ मैं, ब्रीफ केस को खोलता हूँ पहले, और इसमें जो भी काम का सामान है उसको डाल देता हूँ। और ये ब्रीफ केस अब मेरा ही है, क्योंकि ओनर मैं बन चुका हूँ इसका। तो एक काम करते हैं, जो प्रोटेक्टर है इसको भी डाल देता हूँ मैं। यार फालतू में आएगा कोई, मार के चल जाएगा या लेके चल जाएगा, क्योंकि इसी के लिए तो इतना सब करना पड़ा है मुझे। और चलते हैं भाई यहाँ से, लेकिन सबूत पूरे मिटाऊंगा मैं। तो एक काम करते हैं, पहले इस चीज़ को निकाल लेता हूँ मैं। ये क्या है? अच्छा रॉकेट है ये। अच्छा लैंडर में रॉकेट है हमारा, एक काम करते हैं लैंडर भी ले लेते हैं ना। ओके कहीं तो गया है ये। अच्छा ये टूट गया है, क्योंकि मुझे रॉकेट मिल चुका है मेरा, रॉकेट ही काम का था। ठीक है भाई यहाँ से निकलते जल्दी जल्दी। और यार कहाँ पर जाना है मुझे यार, देखना पड़ेगा, शायद मैं बहुत दूर आ चुका हूँ। आखिरकार उस जगह में पहुंच ही गया हूँ मैं। और यार बहुत ज्यादा टाइम लग गया यार मुझे, मेरा रॉकेट बहुत ज्यादा दूर लैंड किया था शायद। कोई बात नहीं यार, पहुंच तो गया हूँ मैं। चलो अंदर चलते हैं पहले। ओ भाई वो कौन है? हाथ देखा जैसा लग रहा है। एक सेकंड, ये सोल्जर बॉय तो नहीं है? ओ भाई ये क्या करने जा रहा है? इसको बेस मालूम चल गया हमारा, TNT लगा रहा है वो। भाई उसको रोकना पड़ेगा मुझे, लेकिन यार रोकूंगा कैसे उसको? भाई मुझे देखेगा तो मुझे मारना चालू करेगा, क्योंकि मुझे ढूंढता आया है वो। भाई एक काम करता हूँ, सबसे पहले ब्रीफ केस छुपा लेता हूँ मैं, क्योंकि उसको मिल गया ना ब्रीफ केस तो मेरा पूरा मेहनत बर्बाद हो जाएगा। एक मिनट, देखते क्या कर रहा है ये। भाई मुझे लग रहा है TNT को आग लगाने वाला है वो, लेकिन यार प्रॉब्लम क्या है उससे, क्योंकि वो जो सीक्रेट बेस है वो टूटेगा तो नहीं। भाई इसको आग लगाने देते, देखते क्या होता है। ओ भाई TNT जला दिया उसने पूरे के पूरे, और वो भी साइड जा रहा है। भाई मुझे भी छुपना पड़ेगा। ओ भाई सीक्रेट बेस को कुछ भी नहीं हुआ अपने, देखो यार आपको दिख रहा होगा वो लाइट फूटा भी नहीं है। भाई वो कहाँ पर चले गया? भाई वो बंदा और TNT लगाने जा रहा है शायद, मुझे वही लग रहा है। पास जाके देखना पड़ेगा मुझे, बहुत ज़्यादा अंधेरा है यहाँ पर। हाँ शायद वो और भी TNT लगा रहा है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होने वाला यार, सीक्रेट बेस फूटेगा नहीं हमारा। वो भाई वो तोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे टूट नहीं रहा है। भाई कुछ भी नहीं हो रहा उससे, ये वाले ब्लॉक तो टूट जा रहे हैं उससे, पर वो जो मेन वाले ब्लॉक है जो ट्रांसलूसेंट ने बनाया है वो तो नहीं टूट रहा उससे। ये नहीं कर पाएगा शायद कुछ, अंदर जो भी है सेफ है वो। ओ भाई शायद इसने मुझे देख लिया, एक सेकेंड शायद देख लिया इसने इतने अंधेरे में मुझे। ओ भाई जाना पड़ेगा मुझे ऐसे, रात भी हो गई, निकल पाऊंगा आराम से मैं यहाँ से, पर जाऊंगा कहाँ पर? भाई मैं निकल रहा हूँ यहाँ से यार, वो मेरे पीछे आ जाएगा तो मार देगा मुझे। भाई सूरज भी डूब चुका है, कहीं तो जाना ही पड़ेगा मुझे यार, कहाँ जाऊँ अब मैं?